नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे 50,000 रुपए से कम कीमत में एक बढ़िया एचपी लैपटॉप के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट एचपी लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज। दोस्तों 50,000 रुपए से कम कीमत में अभी एक बढ़िया एचपी लैपटॉप है, एचपी EQ2042AU। इसकी अभी की कीमत है मार्केट में 44,990 रुपए। 40 से 50,000 रुपए के रेंज में यह वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है मार्केट में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स और फंक्शंस से। यह एचपी लैपटॉप परफेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, होम यूज के लिए, गेमर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, कोडर्स के लिए और इसी तरह के यूजर्स के लिए। इसमें दिया गया विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका लाइसेंस वैलिड है लाइफ टाइम के लिए। इस लैपटॉप में दिए गए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड होगा विंडोज 11 तक, जिसको यह लैपटॉप सपोर्ट करेगा। अपग्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यह लैपटॉप आता है फुल साइज कीबोर्ड के साथ, लेकिन इसके कीबोर्ड में नहीं है बैकलिट, लेकिन इसके कीबोर्ड में दिया गया है नंबर पैड। एचपी का यह लैपटॉप आता है लाइसेंस्ड एमएस ऑफिस 2019 स्टूडेंट प्रोग्राम के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। दोस्तों इसके अलावा इस एचपी लैपटॉप में है 15.6 इंच का स्क्रीन। इसमें नहीं दिया गया HDD मेमोरी, लेकिन इसमें है अल्ट्रा फास्ट SSD मेमोरी। इसमें दिए गए हैं 8GB रैम। इसमें दिए गए 3 सेल बैटरी की कैपेसिटी है 41 वाट आवर। इसका वेट होगा लगभग 1.7 kg। इस लैपटॉप में नहीं दिया गया फिंगरप्रिंट रीडर, लेकिन इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, जिसका क्रेडिट जाता है इसमें दिया गया AMD Ryzen 3 क्वाड कोर प्रोसेसर को। कंपनी देती है 1 साल की कंप्लीट सर्विस वारंटी। तो दोस्तों अब आप जानते हैं HP EQ2042AU मल्टीटास्किंग लैपटॉप के मेमोरी डिटेल्स। यह लैपटॉप आता है 8GB DDR4 रैम के साथ। रैम का फ्रीक्वेंसी होगा 3200 MHz, तो काफी फास्ट है इस लैपटॉप का रैम। इस लैपटॉप में दिए गए रैम के 2 स्लॉट, दोनों स्लॉट सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम 8GB का रैम स्टिक, तो टोटल रैम एक्सपेंशन होगा अप टू 16GB तक। इस लैपटॉप का प्राइमरी मेमोरी है 512GB SSD, जिसका सेप है M.2। फर्स्ट बूट के बाद यूजर को फ्री मिलता है 456GB 456GB। SSD तो वैसे ही काफी फास्ट होता है, क्योंकि उसका मैक्स कनेक्शन स्पीड है 3500 Mbps। इस लैपटॉप में नहीं है HDD मेमोरी, और साथ ही इसमें नहीं दिया गया है खाली स्लॉट HDD के लिए। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं HP ब्रांड के इस बढ़िया मल्टीटास्किंग लैपटॉप के स्क्रीन एंड बैटरी डिटेल्स। शुरुआत करते हैं इसके स्क्रीन के डिटेल्स से। इसका स्क्रीन साइज है 15.6 इंच। इसके स्क्रीन का पैनल नहीं है IPS, स्क्रीन का पैनल है SVA, जो ज्यादा बढ़िया होता है VA पैनल से, थोड़ा कम बढ़िया होता है IPS पैनल से। स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा फुल HD 1920x1080 pixels। रिफ्रेश रेट होगा 60Hz। ब्राइटनेस होगा 250 nits। पिक्सल डेंसिटी है 141 PPI। कलर गैमट है 45% NTSC। और लगातार काम करने के लिए HP ब्रांड का यह लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसके स्क्रीन के सरफेस पर है एंटी ग्लेयर कोटिंग। बैटरी भी काफी दमदार है इस HP लैपटॉप का। इसमें दिए गए 3 सेल 41 वाट आवर का लिथियम आयन बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए HP ब्रांड देती है 65 वाट का चार्जर। HP ब्रांड के दावे को माने तो बैटरी का बैकअप होगा अप टू 9 hours 30 minutes। लगातार वीडियो प्ले करेंगे तो बैटरी का बैकअप होगा HP ब्रांड के अनुसार 9 घंटे। हमारे टेस्टिंग और कैलकुलेशन में बैटरी का बैकअप था 5 घंटे से ज्यादा। टोटल बैकअप कितना है यह हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए। इस लैपटॉप के साथ आता 65 वाट का AC चार्जर, जो इस लैपटॉप को देता है फास्ट चार्जिंग। दोस्तों HP ब्रांड का यह लेटेस्ट मल्टीमीडिया लैपटॉप काफी फास्ट है, जिसका क्रेडिट जाता है इसमें दिया गया प्रोसेसर, जो कि है AMD Ryzen 3 5300U। इसका लिथोग्राफी है 7nm। लिथोग्राफी नंबर जितना कम होगा उतना बढ़िया। 7nm ज्यादा बढ़िया होता है 10nm से, 10nm ज्यादा बढ़िया होता है 14nm से। यह CPU लॉन्च हुआ है इसी साल यानी कि 2021 में, और इसका परफॉर्मेंस काफी फास्ट है, क्योंकि इसमें दिए गए हैं 4 कोर जो प्रोसेस कर सकते हैं एक साथ 8 थ्रेड। यह होता है मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के कारण। TDP यानी कि थर्मल डिजाइन पावर किसी भी प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन है, जो कि बाय डिफॉल्ट इस प्रोसेसर के लिए है 15 वाट, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 12 वाट से 25 वाट के बीच में। लो पावर कंजम्पशन लो परफॉर्मेंस, हाई पावर कंजम्पशन हाई परफॉर्मेंस। टी जंक्शन वह टेम्परेचर है जिसको कोई प्रोसेसर टॉलरेट कर सकता है, तो वह इस प्रोसेसर के लिए है 105 डिग्री सेल्सियस। AMD ब्रांड के इस बढ़िया प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 2.6 GHz, लेकिन मैक्स क्लॉक स्पीड है 3.8 GHz।
और प्रोसेसर का कैच मेमोरी है 6 MB। किसी भी प्रोसेसर का कैच मेमोरी जितना ज्यादा होगा वह प्रोसेसर उतना फास्ट और उतना बढ़िया होगा। HP ने अपने इस लैपटॉप में नहीं दिया है डेडिकेटेड ग्राफिक्स, इसमें है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो कि है AMD Radeon, जिसका फ्रीक्वेंसी है 1.5 GHz, कोर काउंट है 6 और यह ग्राफिक्स प्रोसेस करता है 4K कंटेंट एट 60 Hz। HP के इस लैपटॉप पर वो सारे गेम्स चलेंगे जिसको डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं चाहिए। और यह है AMD Ryzen 3 5300U CPU का कंपैरिजन बाजार में उपलब्ध ऑन टॉप सेलिंग प्रोसेसर्स के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका पास मार्क है 10186, पास मार्क जितना ज्यादा वह प्रोसेसर उतना बढ़िया। दोस्तों अब आइए जानते हैं HP ब्रांड के इस लेटेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप के कनेक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया डिटेल्स। शुरुआत करते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन से। इसमें है माइक इन, हेडफोन आउट, ब्लूटूथ 4.2, होना चाहिए था ब्लूटूथ 5.0, HDMI 1.4, USB टाइप सी के एक पोर्ट, USB 3.1 के दो पोर्ट, इसमें नहीं है इथरनेट पोर्ट। HP ने इस लैपटॉप को दिया है Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 के बदले, तो इसमें है Realtek Wi-Fi 5 जो सपोर्ट करता है 1 ट्रांसमिटिंग एंड 1 रिसीविंग स्ट्रीम। अगर यहाँ पे होता 2x2 तो उसका मतलब होता 2 ट्रांसमिटिंग 2 रिसीविंग। ऑब्वियसली 2x2 ज्यादा फास्ट होगा 1x1 के तुलना में। इसके अलावा इस लैपटॉप में दिया गया SD कार्ड रीडर स्लॉट और इसमें बिल्ट इन एलेक्सा भी है। वहीं इसके मल्टीमीडिया ऑप्शंस हैं ड्यूल स्पीकर्स, बिल्ट इन ड्यूल अरे डिजिटल माइक्रोफोन एंड HP ट्रू विजन HD वेब कैम। दोस्तों HP का लैपटॉप काफी बढ़िया है, काफी फास्ट है और उसकी बिल्ड क्वालिटी शानदार है। इस पे चलेंगे सभी मल्टीमीडिया एडिटिंग एप्स जैसे कि Adobe Photoshop, Corel, ऑटो CAD और इसी तरह के अन्य प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स। गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है यह लैपटॉप, इस पे चलेंगे वो सारे गेम्स जिसको नहीं चाहिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स। दोस्तों HP ब्रांड के इस लेटेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए kajas.shiksha पर। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।